हानि एक ऐसे समय में शुरू होती है जहां बहुत से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल हीटिंग की वजह से समुंदर और नदियों का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ने की जगह बहुत तेजी से कम होती जा रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत से ग्लेशियर्स को मेल्ट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ सीज और ओशंस का लेवल काफ़ी बढ़ रहा है। जितनी भी चीज़ें और शहर थे वो सभी समुद्र में डूब गए थे। मूवी में सबसे पहले प्रोफेसर एलन को दिखाया जाता है, जो हमेशा से रोबोट बनाना चाहते थे। उन्होंने कई रोबोट्स बनाए जो बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह दिखता था और उनमें फीचर्स भी इंसानों की तरह ही थे, मगर कमी थी तो सिर्फ एक चीज़ की, वो है फीलिंग्स, इमोशंस, जो कि उन रोबोट्स के अंदर नहीं आ सकती थी। बट प्रोफेसर एलन चाहते हैं कि मैं अब ऐसे रोबोट्स बनाऊं जिनके अंदर इमोशंस हो। वो सबसे कहते हैं कि मैं ये बनाऊंगा जो कि एक बच्चे के रूप में होगा, जो बिल्कुल एक इंसान की तरह बिहेव करेगी और इमोशंस भी शो करेगी। जिसके पास वो जाएगा वो उसके लिए उसके अंदर बहुत प्यार होगा। प्रोफेसर एलन की ही कंपनी में एक हेनरी नाम का आदमी काम करता है, उसका एक बेटा जिसका नाम मार्टिन है, जो कि बहुत बीमार होता है, जिसे देख हेनरी की वाइफ जिसका नाम मोनिका है बहुत परेशान होती है। असल में वो एक तरह से कोमा में होता है और उसे एक स्लीप एकोमोडेशन में रखा जाता है। उसका ठीक होना बहुत ही मुश्किल होता है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका बेटा ठीक हो जाए। फिर हेनरी को उस इमोशंस वाले रोबोट के बारे में पता चलता है जो कि प्रोफेसर एलन बना चुके होते हैं। वो पहला इमोशनल रोबोट होता है जिसका नाम डेविड रखा जाता है। हेनरी उसे अपने घर ले जाता है और अपनी वाइफ को दिखाता है। असल में वो चाहता है कि जब तक मार्टिन ठीक होकर नहीं आता उसकी जगह पर ये उसकी वाइफ के साथ रहेगा, मगर मोनिका इस चीज से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। मगर कुछ देर बाद थोड़ा समझाने पर मोनिका मान जाती है, मगर डेविड से ज़्यादा अच्छा बिहेव नहीं करती है। हेनरी उसे एक पासवर्ड बताता है और कहता है कि उसके सामने बोलने पर वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा, और इसके बाद अगर हम इसे वापस करें तो ये किसी और के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके दिल में तुम चली जाओगी, तो हमें इस कंपनी को देना होगा ताकि वो इसे ख़त्म कर दे। बट मोनिका उसके सामने वो पासवर्ड उस टाइम नहीं बोलती और काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। मोनिका उससे क्लोज होने लगती है, वो सारी चीज़ें करने लगती है जो वो अपने बेटे के लिए किया करती थी, और उसके मन में उसके लिए प्यार आ जाता है और वो उस पासवर्ड को भी उसके सामने बोल देती है। तब डेविड भी उसका हो जाता है और उसे बहुत प्यार करने लगता है। वहाँ पर वो मोनिका को मॉम कहता है। वो बिल्कुल एक फीलिंग से भरे इंसान की तरह बिहेव करने लगता है। एक दिन वो अपनी मॉम से पूछता है, आप मर तो नहीं जाओगी ना? मोनिका कहती है कि हाँ, कुछ साल बाद। वो उससे कहता है कि तुम कभी मत जाना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर मोनिका उसे अपने बेटे का एक टेडी बियर देती है जो कि बात कर सकता है। दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। अचानक एक दिन एक मोनिका के पास कॉल आती है। वो कहते हैं, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और उसे गले लगा देती है। जब मार्टिन घर आता है तो वो डेविड से मिलता है और उसे उसके बारे में पता चलता है, मगर वो उससे बहुत गुस्सा होता है और उसे बुरी बातें करने लगता है। वो उसे एहसास दिलाता है, तुम सिर्फ एक रोबोट हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सुनकर डेविड काफ़ी मायूस हो जाता है। मार्टिन उसे बुरा बनाने के लिए अलग अलग हरकतें करता रहता है। फिर एक रात मार्टिन उसे कहता है कि तुम अगर चाहते हो कि मॉम तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करें तो तुम्हें उनके बाल काटने होंगे और फिर उन्हें अपने पास रख लेना। असल में मार्टिन जानता था कि डेविड मोनिका से बहुत प्यार करता है। तभी डेविड उनके रूम में जाता है और मोनिका का बाल थोड़ा काट के, तभी उनकी नींद खुल जाती है और वो उसे पकड़कर पूछने लगती हैं कि तुमने ये क्यों किया। वो कहता है ताकि मॉम उससे और भी ज़्यादा प्यार करें। और फिर एक दिन बहुत से बच्चे स्विमिंग पूल के पास खड़े होते हैं, तभी सब उसके हाथ में चाकू चुबाने लगते हैं, उसे दर्द भी होता है या नहीं। और खुद को बचाने के लिए डेविड मार्टिन को जोर से पकड़ लेता है और इसी चक्कर में दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। मार्टिन पानी में डूबने लगता है, तभी उन्हें टाइम पर पानी से निकाला जाता है। ये सब देखकर हेनरी और मोनिका बहुत परेशान हो जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो डेविड को वापस कराएंगे। मोनिका उसे छोड़ने जा रही होती, मगर इस ख्याल के कारण कि वो लोग डेविड को ख़त्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो उसे वहाँ लेकर नहीं जाती है। वो उसे घने से जंगल में छोड़ने जाती है। तभी डेविड रोने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर मोनिका कुछ नहीं कर सकती थी। तभी डेविड कहता है, आपने मुझे एक कहानी बताई थी कि एक परी होती है जो सबको एक इंसान बना सकती है, अगर मैं इंसान बन गया तो आप मुझसे प्यार करोगी ना? मगर मोनिका वहाँ से चली जाती है। डेविड जंगल में आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ और भी रोबोट्स मिलते हैं जो कि अकेले रहा करते थे और काफ़ी डैमेज थे। अचानक कुछ लोग उन रोबोट्स को पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, जो उन सबको पकड़ कर ले जाते हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए ले जाया जाता है। बहुत से लोग ये देखने के लिए वहाँ होते हैं। डेविड को एक रोबोट मिलता है जॉय नाम का, उस पर खून का इल्ज़ाम भी होता है।
जब वो लोग उन दोनों को ख़त्म करने वाले होते हैं तो वहाँ बैठे सभी लोग डेविड को एक असली इंसान समझने लगते हैं और हंगामा करके उन्हें वहाँ से छुड़ा देते हैं। वो दोनों वापस भाग जाते हैं। वो जो को अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है कि मुझे एक इंसान बनना है। तब जो उसे एक शहर लेकर पहुँचता है और डॉक्टर नो के पास मिलवाता है, जो कि सभी सवालों का जवाब देते थे। डेविड उनसे बस एक ही सवाल पूछता है कि क्या मैं एक इंसान कैसे बन सकता हूँ। वो प्रोफेसर एलन के बारे में बताते हैं जिन्होंने ही डेविड को बनाया होता है। जो उसे प्रोफेसर एलन तक पहुंचा देते हैं। वो जब वहां पहुंच जाता है तो उसे बिल्कुल अपनी तरह ही दिखने वाला एक लड़का मिलता है। वो उसे बहुत गुस्सा होता है और उसे मारने लगता है। असल में प्रोफेसर एलन ने उस डेविड को बिल्कुल अपने बेटे की शक्ल दी थी। जब वहां प्रोफेसर एलन आते हैं तो वो डेविड को देखकर खुश हो जाते हैं। वो उसे कब से देखना चाह रहे होते हैं। फिर वो उन्हें उसके बारे में तो बताते हैं कि वो एक ऐसा रोबोट है जिसके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस हैं। डेविड उनसे कहता है कि मुझे उस परी से मिलना है जो मुझे इंसान बना सकती है। फिर वो उसे बताते हैं कि ऐसा सच में नहीं हो सकता। फिर वो अपनी टीम को उसे दिखाने के लिए उन्हें बुलाने जाते हैं। तब डेविड वहाँ बहुत से रोबोट्स देखता है जो उसकी तरह बने होते हैं। ये सब देखकर वो बहुत दुखी होता है क्योंकि अब वो इंसान नहीं बन सकता है। इन चीज़ों से परेशान और फ्रस्ट्रेट होकर वो अब जिंदा नहीं रहना चाहता था। वो वहीं उसी ऊंचाई से पानी में कूद जाता है, मगर पानी में कूदने के बाद उसे कुछ अलग ही दिखता है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता। वो देखता है कि आधा शहर पानी में डूबा हुआ है और अचानक उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जिसे देखकर वो चौंक जाता है, जो कि एक परी की तरह दिखने वाली स्टैच्यू होती है। तभी उसे जो आकर पानी से बाहर निकाल लेता है। वो उस स्टैच्यू को देखकर हैरान रहता है और बहुत खुश भी हो जाता है क्योंकि अब वो सोचता है कि वो इंसान बन सकता है। वो सब कुछ जो को बता रहा होता है तभी ऊपर से पुलिस का हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसमें वो लोग जो को भी खींचने लगते हैं। तभी वो अपना दिमाग लगाता है और एक हेलीकॉप्टर को सबमरीन में कन्वर्ट कर देता है और पानी के अंदर चला जाता है और उस स्टैच्यू के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो देखता है कि वो एक स्टैच्यू है जो बिल्कुल एक परी जैसे दिख रही है। उसके साथ उसका टेडी बियर भी होता है। वो कंटिन्यू कहता रहता है कि मैं एक इंसान बनना चाहता हूं, मैं एक इंसान बनना चाहता हूं। और ये कहते कहते उसकी पावर और बैटरी ख़त्म हो जाती है। यहाँ लगभग 2000 साल बीत चुके हैं। सारी दुनिया ख़त्म हो चुकी होती है। सभी लोग ख़त्म हो गए थे। वहाँ सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स की दुनिया बन चुकी होती है। एक दिन कुछ रोबोट्स उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर डेविड होता है। वो उसे देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं और उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पहली बार कोई इंसान जैसे दिखने वाला रोबोट दिखता है। वो उसे कुछ पावर देते हैं और वो वापस ठीक हो जाता है। वो उसके माइंड को रीड करते हैं तब उन्हें उसके बारे में सब कुछ पता चलता है। वो उसके सामने एक परी बनकर आते हैं जो उसे सब कुछ बताती है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम मर चुकी है, मगर अगर उनका DNA मिल जाए तो हम उन्हें ज़िंदा कर सकते हैं। तभी वो टेडी बियर आता है और वो बाल देता है जो डेविड ने एक बार मोनिका के काटे थे। उस टेडी ने उसे आज तक संभाल रखा हुआ था। उस बाल से उसकी मॉम का DNA निकाला जाता है और उसकी मॉम को एक दिन के लिए वापस ज़िंदा किया जाता है। डेविड अपनी मॉम से मिलता है। वो सो रही होती है। फिर वो डेविड से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डेविड भी उसे वही कहता है और बहुत खुश हो जाता है। उसे पता था कि उसकी मॉम एक दिन बाद मर जाएगी, फिर भी वो बहुत खुश था क्योंकि मोनिका अब उससे बहुत प्यार करती है। दोनों एक साथ स्माइल करके सो जाते हैं। डेविड जो चाहता था वो पूरा हो जाता है। उसे बस उसकी मॉम का प्यार चाहिए होता है जो कि उसे आज मिल ही जाता है। यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में हमें समझ जाता है कि एक रोबोट के अंदर बस फीलिंग्स और इमोशंस डाल दी गई थी कि वो एक इंसान से निस्वार्थ प्यार करता है बिना किसी मतलब के, जबकि इंसान उसे नहीं करता। मगर हम इंसान जिसके पास सब कुछ है, फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी है, फैमिली, प्यार, इंसान, सब कुछ, फिर भी हम एक इंसान होकर एक इंसान से ही बिना किसी स्वार्थ और मतलब के प्यार नहीं करते हैं। थैंक यू। Fearless.